दोस्तों, वैसे तो अल्सर के बारे में आप जरूर जानते होंगे। जब हमारे पेट में घाव बन जाता है तो उसी घाव को हम अल्सर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट में अल्सर क्यों हो जाते हैं? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि पेट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसे आमाशय के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य रूप से दो काम होते हैं, पहला भोजन के लिए गोदाम का काम करना और दूसरा उसे पचाना। भोजन को पचाने के लिए पेट से तीन प्रकार के रस पैदा होते हैं, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूक्स और तीसरा एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में प्रेजेंट माइक्रोबैक्टीरिया को मारने का काम करता है और मिक्स पेट के इनर सरफेस की प्रोटेक्शन करता है और इसे चिकना रखता है। और एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है। एक सामान्य पेट में 1 लीटर फूड मटेरियल आ सकता है। कभी कभी पेट में अधिक रस बनने लगते हैं जिनके कारण पेट में बेचैनी और जलन महसूस होने लगती है। सेंटिमेंटली डर, गुस्सा, तनाव आदि के कारण पाचक रसों का निर्माण अधिक होने लगता है। अधिक मसाले वाले फूड स्टॉप से भी ये रस अधिक बनते हैं। सिगरेट, शराब, कॉफी, चाय आदि से भी इन रसों का निर्माण अधिक होते हैं। जब ये रस बहुत अधिक मात्रा में बनने लगते हैं तो क्लोरिक एसिड पेट के इनर सरफेस पर इफेक्ट डालने लगता है और इनर सरफेस पर घाव होने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं घाव को पेट का अल्सर कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पेट में अल्सर क्यों हो जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में।